वजीर आजम साहब मैं टैंकर से पानी खरीदता हूँ, कराची को शिबाज स्पीड की जरूरत है। मैं हैरान हूँ कि बिलावल साहब अब एतराफ जुर्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कराची को शहबाज स्पीड के साथ काम करने की जरूरत है। बिलावल साहब जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं पिछले 15 साल से, और जरदारी साहब और उनकी पूरी पीपुल्स पार्टी जिसने कराची का कोई मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। बिलावल साहब ये फरमाते हैं कि मैं वजीर खारजा हूँ और मेरे घर में टैंकर से पानी आता है। 15 साल से बराह रास्त आपकी हुकूमत है और 15 साल में अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है, नलके में नहीं आता, तो मैं ये कहूं कि पूरी सिंध हुकूमत इसी पानी में डूब के मर जाए। वजीर आजम बनने की तैयारी हो रही है, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, घर में कुछ कर नहीं रहे, जहां रहते हो उसको बर्बाद कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान पे हुकुमरानी के ख्वाब देख रहे हो। K4 में भी आप हर 2 साल बाद आकर कहते हैं कि 2 साल में बना देंगे। 15 अरब रुपए आप साल में दे रहे हैं, जो अब 200 अरब रुपए से ज्यादा लागत हो चुकी है, उसको कहते हैं कि हम 2 साल में मुकम्मल कर लेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं कि ये कैसे करेंगे। तो झूठ पे झूठ, धोखे पे धोखा, फ्रॉड पे फ्रॉड, ये सारी हुकूमतें मिलकर कर रही हैं। K4 मंसूबे का आगाज नेमतुल्ला खान साहब ने किया था, K3 बन रहा था और K4 के लिए उन्होंने विफाक से करेस्पोंडेंस शुरू की। 8000 अरब रुपए तरक्याती बजट सिंध का पीपुल्स पार्टी की इस दौरे हुकूमत में अब तक खर्च हो चुका है। कागजों में बजट आया है, बजट गया है, ये बताएं कहां है 8000 अरब रुपए।